रामदेव पाल, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रायबरेली। सर, प्रियंका गांधी लापता के पोस्टर लगे हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा कहना क्या है, ये पोस्टर प्रियंका गांधी और कांग्रेस का लगा हुआ है, प्रियंका वाड्रा जी का लगा हुआ है, इसमें हमको क्या कहना। अरे भाई, 2014 के चुनाव में प्रियंका जी यहाँ आई थी, अब 2019 है तो फिर आने के लिए वो नई योजना बनाए हैं कि प्रियंका गांधी के वाड्रा जी का जो है यहाँ पोस्टर लगवा दिया जाए, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर कैंपेनिंग करने लगे, लोगों के बीच में, मीडिया के बीच में एक चर्चा का विषय बने, इसलिए शायद उनके ही लोग किए हों। मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि किसने किया, लेकिन भाजपा ने नहीं किया, ये मैं 100% इस बात से सहमत हूँ। अध्यक्ष जी, क्या इस तरह के पोस्टर लगाना क्या उचित है? भाई, उचित तो नहीं है, कोई भी व्यक्तिगत कारण है, वो जनप्रतिनिधि तो है नहीं कि उनके पोस्टर लगाए जाएं, तो क्यों लगाएगा कोई, ये उनकी ही चाल हो सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं और जब भी वो चुनाव लड़ती हैं तो उनकी बागडोर प्रियंका वाड्रा जी करती हैं, इस नाते अगर चुनाव आ रहा है तो हम किस मुँह से जाएंगे, क्योंकि चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी जिले में नहीं दिखाई देती हैं, जब भी चुनाव आता है तो अपनी माताजी का प्रचार करने के निमित्त इस जिले में उपस्थित होती हैं, और इस बार रायबरेली की जनता उनके कारनामों को जान चुकी है, रायबरेली की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता जान चुकी है, इसलिए उनका जनाधार नीचे चला गया है, जनाधार बचा नहीं है। अब सोच रहे हैं कि रायबरेली में कैसे हमारा जनाधार बचे, इसलिए ये विभिन्न प्रकार के नौटंकेबाजी कर रहे हैं। जी,